तो चलो बच्चों, अब हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए IUPAC नामकरण करेंगे, इसके बाद ईथर के लिए, इसके बाद एमीन यौगिकों के लिए IUPAC नामकरण करना सिखा रहे हैं। आप देखो यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्लों में COOH समूह क्रियात्मक समूह होता है, ठीक है, और इसके लिए नामकरण का नियम है कि पितृ एल्केन के नाम में ओइक एसिड शब्द जोड़ना होता है, ठीक है। चलो आप एग्जाम्पल पर आ जाओ और देखो, पहला एग्जाम्पल है HCOOH, ठीक है, यहाँ पे COOH समूह दिख रहा है और इस वर्ग के सभी यौगिकों में COOH समूह दिख रहा है, अतः ये सभी के सभी कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, ठीक है। आप यहाँ देखो, इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, एक ही कार्बन परमाणु है और एक कार्बन परमाणु के लिए हम शब्द मूल लगाते हैं मेथ, ठीक है। आप यहाँ देखो, चूँकि एक ही कार्बन परमाणु है, यहाँ पे कोई साइड चेन वगैरह नहीं है, अतः पूर्व लग्न यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ भी पूर्व लग्न कुछ भी नहीं है, यहाँ भी पूर्व लग्न कुछ भी नहीं है, ब्रांचिंग नहीं है, पूर्व लग्न वाले पोर्शन यहाँ से शुरू होंगे, ठीक है। हम IUPAC नामकरण में पहले क्या लिखते हैं, पूर्व लग्न, शब्द मूल, इसके बाद प्राथमिक अनुलग्नक, फिर द्वितीयक अनुलग्नक, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। एक कार्बन के लिए हम यहाँ शब्द मूल लिखेंगे मेथ और इसके साथ प्राथमिक अनुलग्नक ANE लगाएंगे तो यह हो जाएगा मेथेन, और ओइक एसिड जोड़ेंगे तो यह पूरा नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। और आप एक बात का यहाँ ध्यान रखें, यहाँ IUPAC नामकरण में दो शब्द लिखने होते हैं, अम्ल को अलग लिखना होता है, इसको अंग्रेजी में मैं लिख रहा हूँ मेथेनोइक एसिड, ठीक है। दूसरे यौगिक पे आ जाओ, इसमें दो कार्बन परमाणु है और दो कार्बन परमाणुओं के लिए शब्द मूल होता है एथ, तो इसका नामकरण होगा एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, और बहुत आसानी से आप अंग्रेजी में भी इसको लिख सकते हैं एथेनोइक एसिड, ठीक है। चलो तीसरे एग्जाम्पल पे आ जाओ, तीसरे एग्जाम्पल में आप कार्बन परमाणुओं की संख्या गिनो कितनी है, देखो 1, 2, 3, 4, चूंकि वे क्रियात्मक समूह जिनमें कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं पहले से ही, तो हम उन्हीं से शुरू कर देते हैं नंबरिंग। तो आप यहाँ देखो COOH में कार्बन परमाणु है, हम नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, कुल कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 है और 4 कार्बन परमाणुओं के लिए हम लिखते हैं ब्यूटेन, ठीक ना, तो ब्यूटेनोइक एसिड, इसका नाम होगा ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है। ब्यूटेनोइक एसिड, इसको हम लिख सकते हैं ब्यूटेनोइक अम्ल 1 भी लिख सकते हैं, पोजीशन भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ देखो, इस एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं कि COOH समूह यहाँ प्रेजेंट है, और अगर लंबी कार्बन चेन की बात करें तो अगर इस डायरेक्शन में आते हैं तो 1, 2, 3, 4 कार्बन परमाणु हैं, इस डायरेक्शन में आप देखो 1, 2, 3, 4, 5। आप यहाँ सबसे पहले इसकी घेरेबंदी कर लो, इसके बाद साइड चेन आसानी से विजिबल होंगे, और साइड चेन जब आसानी से विजिबल होंगे तो इनके लिए हम नंबरिंग करेंगे। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन परमाणुओं की यह लंबी श्रृंखला है और एक नंबर से COOH समूह है, 2 नंबर कार्बन परमाणु से जुड़ा है एथिल समूह, इसके बाद 4 नंबर कार्बन परमाणु से 2 मेथिल समूह जुड़े हैं, तो इनके लिए हम नामकरण कैसे करेंगे। आप देखो, पहले एथिल वरीयता क्रम में आएगा तो 2 नंबर से एथिल को हम दिखाएंगे, आप देखो 2-ethyl, इसके बाद 4-4-dimethyl, 4-4-dimethyl, पेंटेन इसके बाद लिखेंगे 5 कार्बन परमाणुओं के लिए पेंटेन, और ओइक एसिड को हम दिखाएंगे 1-OOH अम्ल, ठीक है, अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, आप यहाँ देखो 2-ethyl, 4-4-dimethyl,
मेथिल पेंटेन वन ओइक एसिड, यहाँ से ई को फिर से ड्रॉप किया गया है, पेंटेन के बाद ई आता है ना, PENTANE, चूँकि यहाँ वावेल है तो यहाँ भी वावेल नहीं होना चाहिए, एक कॉन्सोनेंट एक वावेल होना चाहिए, अतः यहाँ से ई को हटा दिया गया है। ठीक है, ये पूरा नाम हो गया 2-ethyl-4-4-dimethyl-pentane-1-oic acid। चलो कार्बोक्सिलिक अम्लों के बाद हम आते हैं ईथर यौगिकों पे, और ईथर यौगिकों में हम पहले दिखा चुके हैं कि ROR- क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, और इनके नामकरण के लिए विधि क्या है, तो एलकॉक्सी एल्केन के रूप में हम इनका नामकरण करते हैं। जैसे आप यहाँ समझो OR को हम एक साथ लेंगे और पढ़ेंगे एलकॉक्सी, और दूसरी तरफ जो एल्किल चेन होगी उसके लिए एल्केन नाम लिखेंगे। तो यहाँ OR चुनने में यह ध्यान रखना है कि O के साथ जो एल्किल समूह चुन रहे हैं उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या दूसरे वाले से कम हो या बराबर हो। ठीक है, और जो कार्बन चेन लंबी होगी उसको एल्केन के रूप में, जो कार्बन चेन छोटी होगी उसको एल्काक्सी के रूप में हम O के साथ मिलाकर लिखते हैं। आप यहाँ देखो एग्जांपल में CH3O CH3, और इसमें अगर हम एक मेथिल समूह को ऑक्सीजन के साथ लेते हैं तो इसको हम पढ़ेंगे मेथॉक्सी, और दूसरे को लिखेंगे एल्केन के रूप में तो उसको मेथेन लिखेंगे। तो इसका IUPAC नाम होगा मेथॉक्सी मेथेन, लिख रहा हूँ इसको मेथॉक्सी मेथेन। ठीक है, मेथॉक्सी मेथेन। ठीक है, अब आप आ जाओ दूसरे नंबर के एग्जाम्पल पे, और दूसरे नंबर के एग्जाम्पल में आप देखो CH3CH2O CH3, यहाँ पे हम एल्काक्सी समूह जो चुनेंगे इस डायरेक्शन में चुन सकते हैं क्या, आप सोचो, अभी अभी बताया हूँ, जो कार्बन चेन छोटी होगी उसके साथ एल्काक्सी समूह चुनेंगे, एल्काक्सी हम इसको लिखेंगे। ठीक है, एक कार्बन परमाणु है तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी, अगर दो कार्बन परमाणु होते तो एथॉक्सी, तीन होते तो प्रोपॉक्सी। ठीक है, अब आ जाओ इसको हम मेथॉक्सी के रूप में लिखेंगे, और यह दो कार्बन परमाणु है तो इनको हम एथेन के रूप में लिखेंगे। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। ठीक है, तीसरे नंबर वाले एग्जांपल पे आप आ जाओ, और तीसरे नंबर के एग्जांपल में आप ये देखो कि ओ समूह उपस्थित है। देखो ओ के बाद दोनों साइड पे एल्किल समूह हैं, ओ के बाद दोनों साइड पे एल्किल समूह उपस्थित हैं। ठीक है, इसमें जो छोटी कार्बन चेन है उसको एल्काक्सी के रूप में, और बड़ी कार्बन चेन पे अब तो पोजीशन दिखाना हमको ज़रूरी है, नंबरिंग भी करना होगा। तो आप देखो नंबरिंग कहाँ से करते हैं, नंबरिंग उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिधर से मेथॉक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा है इस कार्बन को कम अंक मिलना चाहिए। आप यहाँ से देखो 1, 2, 3, ये दो नंबर पे आ रहा है, इधर से भी गिनो 1, 2, 3, अर्थात दोनों दिशा से नंबरिंग करने पर इसको दो ही अंक मिल रहे हैं, और हम नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, हम नंबरिंग सीधा कर दे रहे हैं 1, 2, 3। आप देखो इसको हम लिखेंगे मेथॉक्सी, और इसको क्या लिखेंगे मेथॉक्सी, और इसकी पोजीशन भी दिखाना होगा ग्रुप की कि दो नंबर कार्बन के साथ मेथॉक्सी समूह लगा है, तो 2 मेथॉक्सी और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन लिखेंगे, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, अगले एग्जांपल पे आते हैं, आप अगले एग्जांपल में देखो ओ समूह यहाँ दिख रहा है, इथर समूह, इसके एक दिशा में CH3CH2 है और दूसरी दिशा में लंबी कार्बन चेन दिख रही है, तो अब इसको हम एक साथ रखेंगे और इसको पढ़ेंगे एथॉक्सी, और इसके लिए हम क्या करते हैं नंबरिंग कर लेते हैं, देखते हैं किधर कार्बन परमाणुओं की संख्या ज़्यादा आ रही है, ग्रुप वाले कार्बन पे किस दिशा से नंबरिंग करते हैं तो इसको कम अंक मिलते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, इसको 3 पोजीशन मिल रही है अगर इधर से नंबरिंग करते हैं, इधर से करो 1, 2, 3, यानी दोनों दिशा से ही नंबरिंग करने पर सेम पोजीशन मिल रहा है। यहाँ से हम देखो एक मेथिल समूह हटा दे रहे हैं,
तब डिफरेंट आएगा। इसको हम CH3 लिख दे रहे हैं यहीं। अब आप देखो, अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1, 2, 3, और इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1, 2, दो नंबर पोजीशन मिल रहा है, अर्थात इधर से ही हमको नंबरिंग करनी होगी। ठीक है, तो नंबरिंग कर लो 1, 2, 3, 4। बाकी जो पहले कंपाउंड लिखा हुआ था उसमें हम दोनों दिशा से ही नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ही दिशा से नंबरिंग करेंगे क्योंकि इधर से कम अंक मिल रहे हैं इस कार्बन परमाणु को। अब आप आ जाओ, देखो इसकी पोजीशन हम दो नंबर कार्बन के साथ दिखाएंगे और लिखेंगे 2-ethoxy। दो कार्बन के लिए एथेन होता है तो 2-ethoxy, और चार कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूटेन। ठीक है, ये चार कार्बन की सीधी चेन हो गई। अब आप देखो इसको यूं भी लिख सकते हैं 2-ethoxy-butene। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम चल रहे हैं अगले प्रकार के, जिनको हम एमीन कहते हैं। और यहाँ एक विशेष बात बता दूँ, एमीन जो होते हैं अमोनिया के व्युत्पन्न माने जाते हैं। अमोनिया में तीन हाइड्रोजन परमाणु होते हैं ना, अमोनिया में तीन हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो एमीन जो है इसी अमोनिया के व्युत्पन्न माने जाते हैं। जब एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित किया जाता है एक एल्किल समूह के द्वारा, देखो प्रतिस्थापित किया एक एल्किल समूह से, तो इसको हम कहते हैं प्राथमिक एमीन। और इसके लिए देखो CH3NH2, अर्थात इसको एल्किल को R पढ़े हम तो RNH2, तो अब देखो RNH2 एक क्रियात्मक समूह हुआ। अगर दो हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दो, देखो यहाँ दो हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित किया एल्किल समूह के द्वारा, अब इसको हम पढ़ेंगे R2NH। पहला वाला पोजीशन था 1 degree amine, या 1 degree amine है या 2 degree amine है, और यदि तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो यह 3 degree amine कहलाएगा। यहाँ भी अगर हम CH3 या कोई अन्य एल्किल समूह जोड़ देते हैं तो यह 3 degree amine हो गया, और इसमें हम लिखते हैं R3N। देखो क्रियात्मक समूह R3N मिलेगा। ठीक है, अब आप आ जाओ इसके नियम पे, तो नियम देखो, एमीनों के लिए IUPAC नामकरण में हम लिखते हैं एल्केनामीन, एल्केन प्लस अमीन शब्द जोड़ते हैं और ये मिल के हो जाता है एल्केनामीन। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 1 पे, और आप देखो इसके लिए क्या लिखेंगे, एक ही कार्बन परमाणु है इसके लिए मेथेन लिखेंगे और उसके बाद अमीन शब्द जोड़ेंगे तो मेथेनामीन इसका नाम होगा, मेथेनामीन। और अंग्रेजी में भी लिख दे रहा हूँ मेथेनामीन। ठीक है, अब आप आ जाओ दूसरे नंबर वाले एग्जांपल पे, और दूसरे नंबर वाले एग्जांपल में दो कार्बन परमाणु दिख रहे हैं अर्थात इसका नाम एथेनामीन होगा, तो इसका नाम भी लिख रहा हूँ एथेनामीन। इंग्लिश में भी लिखना बहुत ईजी है एथेनामीन। ठीक है, अब आप आ जाओ नंबर 3 वाले एग्जांपल पे, तीसरे एग्जांपल पे आप आ जाओ, और तीसरे एग्जांपल में देखो NH2 समूह यहाँ जुड़ा हुआ है। अब तो यहाँ हमको नंबरिंग करनी होगी, और नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से इस NH2 समूह वाले कार्बन को कम अंक मिले। ठीक है, इस साइड से गिनो आप 1, 2, 3, तीन नंबर पोजिशन से NH2 समूह जुड़ा है ना, और इस साइड से आप गिनो 1, 2, दो नंबर पोजीशन से, अर्थात नंबरिंग हम इस दिशा से करेंगे 1, 2, 3, 4। चार कार्बन परमाणुओं की लंबी कार्बन चेन है यह, और दो नंबर कार्बन के साथ अमीन समूह जुड़ा है, तो चार कार्बन परमाणुओं के लिए हम लिखेंगे ब्यूटेन, और दो नंबर पोजीशन के साथ अमीन दिखाएंगे इसका नाम लिखेंगे ब्यूटेन 2-amine। ठीक है, इंग्लिश में लिख रहा हूं, आप देखो ब्यूटेन 2-amine। अब आ जाओ आप चार नंबर वाले एग्जांपल पे, अभी तक के ये जितने एग्जांपल थे तीनों,
ये सारे के सारे 1 डिग्री अमीन है, क्योंकि आप यहाँ देखो NH2 NH2 NH2, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु बचे हुए हैं, एक ही हाइड्रोजन परमाणु यहाँ एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हुआ है। ठीक है, इस एग्जांपल में आप देखो यहाँ पे NH है, अर्थात इसके 2 हाइड्रोजन परमाणु 2 एल्किल समूहों द्वारा प्रतिस्थापित किए जा चुके हैं। और अगर इस एग्जांपल पे आते हैं तो N के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ तीनों के तीनों हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूहों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए गए हैं। यह 3 डिग्री अमीन हो गया, यह 2 डिग्री हो गया, और ये सभी 1 डिग्री अमीन हैं। तो अब आप आओ और देखो कि 2 डिग्री एमीन के लिए हम नाम कैसे लिखते हैं। तो 2 डिग्री एमीन के नामकरण के लिए हम एल्केनामीन लिखते हैं, उस समूह के लिए जिसमें कार्बन चेन लंबी होती है और कार्बन चेन जिसके साथ छोटी होती है उसको हम मेथिल समूह के रूप में दर्शा रहे हैं। यहाँ पे दोनों ही समूह समान है, इसको हम असमान करते हैं। आप देखो इसको हम कर दे रहे हैं CH2 CH3। अब कार्बन परमाणुओं की संख्या इस साइड है 1 और इस साइड हो गई है 2, तो लंबी जिधर चेन होगी उसको हम एल्केनामीन के रूप में लिखेंगे और इसको एल्किल समूह के रूप में लिखेंगे और एल्किल समूह की पोजीशन N के साथ दिखाएंगे। आप देखो इसका नामकरण कैसे कर रहे हैं, हम कैपिटल N लिखेंगे, N मेथिल। ठीक है, यह छोटी कार्बन चेन है तो इसको हम समूह के रूप में दिखा दिए और समूह को जुड़ा हुआ दिखा रहे हैं N से, N मेथिल, और 2 कार्बन के लिए लिखेंगे एथेनामीन, एथेनामीन। ठीक है, 3 डिग्री वाले एमीन के लिए देखो नामकरण का नियम क्या है, 2 एल्किल समूह जो छोटे होंगे उनको हम ग्रुप के रूप में दिखाएंगे और N से जुड़ा हुआ दिखाएंगे, और जो लंबी कार्बन चेन होगी उसको एल्केनामीन के रूप में लिखेंगे। तो अब आप यहाँ देखो 3 कार्बन परमाणु लंबी चेन में हैं, ठीक ना, 3 कार्बन परमाणु हैं, तो इनके लिए होगा प्रोपेनामीन शब्द, और N से मेथिल समूहों को दिखाएंगे। देखो आप N डाइमेथिल प्रोपेनामीन, ठीक है, N डाइमेथिल प्रोपेनामीन, इसको भी अंग्रेजी में लिख दे रहा हूँ, आप देख लो N मेथिल एथेनामीन। ठीक है, अब आप चलो हम लोग कुछ और कार्बनिक यौगिकों के लिए जिनमें एक ही क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा नामकरण करेंगे, लेकिन इसके पहले कि इसको हम मिटाएं आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो स्टूडेंट्स हम लोग कुछ और कार्बनिक यौगिकों का नामकरण सीखते हैं जिनमें केवल एक ही क्रियात्मक समूह उपस्थित है। देखो यहाँ पहले हम लोग देखेंगे हैलो यौगिकों का नामकरण किस प्रकार किया जाता है, इसके पश्चात नाइट्रो यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है, फिर एस्टरों का नामकरण कैसे किया जाता है, और साइनाइड यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है। तो आप यहाँ देखो पहले हम लोग आते हैं हैलो यौगिकों पर, इनकी पहचान कैसे की जाती है। तो इनमें क्रियात्मक समूह एक्स उपस्थित होता है और एक्स के स्थान पर हैलोजन परमाणु जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से कोई भी हो सकता है या कोई भी हो सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ नियम देखो, इसके लिए नियम है हैलो यौगिकों के IUPAC नामकरण के लिए कि इनको हैलो एल्केन के रूप में लिखा जाता है। और अब आप यहाँ विशेष रूप से ध्यान दो, अभी तक हम लोगों ने जो भी क्रियात्मक समूह यूज किया उनका विशेष शब्द वाला नाम जो है अनुलग्न के रूप में लिखा जा रहा था, लेकिन अब यहाँ हैलो को पूर्व लग्न के रूप में लिखा जाएगा, उसी तरह नाइट्रो यौगिकों में भी नाइट्रो को पूर्व लग्न के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, आप आओ यहाँ देखो पहले एग्जांपल पे आते हैं CH3Cl, इसका सामान्य नाम है मेथिल क्लोराइड, लेकिन जब हम IUPAC नामकरण करते हैं तो क्रियात्मक समूह Cl है, हम पहले इसके लिए क्लोरो लगाते हैं, इसके बाद मेथेन एक कार्बन के लिए। देखो इसका IUPAC नाम है क्लोरो मेथेन।
क्लोरोमेथेन। ठीक है, दूसरे उदाहरण पे आ जाओ आप, CH3CH2Br, दो कार्बन वाला या कार्बनिक यौगिक है ना, तो इसके लिए नाम हो जाएगा ब्रोमो, चूँकि बी आर समूह लगा है तो इसको हम कहेंगे ब्रोमो, और दो कार्बन है तो इसके लिए एथेन, ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन। ठीक है, तीसरे एग्जाम्पल पे आ जाओ और आप देखो क्रियात्मक समूह यहाँ दिख रहा है, इससे जुड़ा जो कार्बन परमाणु है, अगर दोनों पोजीशन से हम गिनती करते हैं तो देखें किस पोजीशन पे पड़ता है, इधर से गिनो आप 1 2 3, इधर से गिनो 1 2 3, अर्थात दोनों ही पोजीशन सेम है, लेकिन इधर आप ध्यान दो इधर एक ब्रांचिंग भी है, तो जब सेम पोजीशन हो और ब्रांचिंग भी हो तो जिधर ब्रांचिंग है या ज़्यादा ब्रांचिंग है उधर से ही नंबरिंग शुरू करते हैं, तो आप यहाँ देखो नंबरिंग कर रहे हैं हम 1 2 3 4 5, दो नंबर कार्बन से मेथिल जुड़ा है, तीन नंबर कार्बन से आयोडो समूह जुड़ा है, तो यहाँ हम दोनों को ही पूर्व लग्न के रूप में लिखने वाले हैं, क्योंकि नियम यही कहता है ये हैलो एल्केन के रूप में हम नामकरण करते हैं, तो यहाँ क्रियात्मक समूह को भी पूर्व लग्न के रूप में और एल्किल समूह को भी पूर्व लग्न के रूप में, तो हम 2 मेथिल और 3 आयोडो दोनों में जो सबसे पहले आ रहा है वरीयता क्रम में, अल्फ़ाबेट के क्रम में आई पहले आता है एम से, तो पहले हम इस पोजीशन को दर्शाएंगे, अब देखो 3 आयोडो 2 मेथिल, 5 कार्बन के लिए पेंटेन। ठीक है, 3 आयोडो 2 मेथिल पेंटेन। चौथे एग्जाम्पल पे आ जाओ, यहाँ पर क्लोरो समूह दिख रहा है और इस साइड तो एक ही कार्बन है, इस साइड ज़्यादा कार्बन है, अर्थात हम नंबरिंग करेंगे तो इस डायरेक्शन में कर सकते हैं, इधर से भी करेंगे सेम पोजीशन प्राप्त होगा, यहाँ हम इसकी घेराबंदी कर दें ताकि ग्रुप साफ साफ नज़र आए और कोई भी कन्फ्यूजन पैदा ना हो। ठीक है, आप देखो यहाँ पहले CH3 CH2 CH2, नंबरिंग हमको किधर से करनी होगी, जिधर से क्लोरीन से जुड़ा कार्बन परमाणु को कम अंक प्राप्त हो, तो 1 2 3 4 5। अब आप देखो दो नंबर कार्बन से क्लोरो जुड़ा है, दो नंबर कार्बन से मेथिल, तीन नंबर कार्बन से भी मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, तीन नंबर कार्बन से भी यहाँ मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो पहले हम अल्फ़ाबेट के क्रम में क्लोरो आएगा तो क्लोरो की पोजीशन दिखाएंगे, 2 क्लोरो 2 3 डाईमेथिल और 5 कार्बन के लिए पेंटेन। इंग्लिश में लिख रहा हूँ 2 क्लोरो 2 3 डाईमेथिल पेंटेन। ठीक है, पांचवे नंबर के एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, CF Cl Br I, और यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, आप ध्यान दो, यहाँ एक ही कार्बन दिख रहा है और चार चार समूह दिख रहे हैं, यहाँ ध्यान दो आप, कार्बन एक ही है, चार चार समूह हैं, आप इसको इस तरह से ड्रा कर सकते हो, ज़्यादा इजी दिखेगा। ठीक है, अब नामकरण इसका कैसे करेंगे, देखो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, जो अल्फ़ाबेट के क्रम में इनमें से पहले आएगा इसको हम फ्लोरो एफ से शुरू करेंगे, इसको सी से शुरू करेंगे, इसको बी से और इसको आई से शुरू करेंगे, तो अल्फ़ाबेट के क्रम में कौन पहले आ रहा है, और एक ही कार्बन है तो उसके लिए हम मेथेन लिखेंगे। ठीक है, पहले ब्रोमो आ रहा है, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आयोडो, इसको मिटाएं पहले, आयोडो मेथेन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग नाम आ गया, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो
आयोडो मेथेन। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नाइट्रो यौगिकों पे जिनमें क्रियात्मक समूह NO2 उपस्थित होता है। ठीक है, तो नाइट्रो यौगिकों के लिए नामकरण के नियम देखो क्या है। नियम में नाइट्रो क्रियात्मक समूह को पूर्व लग्न के रूप में दर्शाते हैं और नाइट्रो एल्केन के रूप में नामकरण करते हैं, जैसे नाइट्रो मेथेन, नाइट्रो एथेन, और अधिक कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है तो उनके हिसाब से नामकरण करेंगे। जैसे एग्जांपल में आप देखो, पहला एग्जांपल है CH3NO2 और एक ही कार्बन परमाणु का यह कार्बनिक यौगिक है। नाइट्रो को पहले दिखाएंगे तो इसका नाम है नाइट्रो मेथेन, नाइट्रो मेथेन। इसी तरह आप यहाँ ध्यान दो C2H5NO2 और C2H5 में यहाँ दो कार्बन है ना, इनको हम लिख सकते हैं CH3CH2NO2। ठीक है, अर्थात यह क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा नाइट्रो, तो इसका नाम हो गया नाइट्रो एथेन, नाइट्रो एथेन। तीसरे नंबर वाले एग्जांपल पे आ जाते हैं, यहाँ NO2 समूह इस कार्बन के साथ लगा हुआ है। नंबरिंग की डायरेक्शन अब आपको समझ में आ गई होगी, किधर से नंबरिंग होगी, कि इधर से, कि इधर से नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, दो नंबर कार्बन से नाइट्रो समूह दिखाएंगे 2 नाइट्रो, और चार कार्बन के लिए नाम है ब्यूटेन, 2 नाइट्रो ब्यूटेन, 2 नाइट्रो ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल पे आओ, NO2 समूह यहाँ पे दिख रहा है, बहुत लंबी चेन दिख रही है, आप जरा काउंट करो तो 1, 2, 3, 4, 5। इस डायरेक्शन में अगर गिनते हैं, इस डायरेक्शन में गिन के देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, अर्थात लंबी कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला ये रही। अब ग्रुप्स भी साफ साफ दिख रहे हैं, इस कार्बन के साथ दो मेथिल समूह दिख रहे हैं। पहले हम नंबरिंग कर ले रहे हैं और नंबरिंग करने के लिए NO2 वाले कार्बन को कम अंक मिलने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, आप पोजीशन दिखा देते हैं, मेथिल को पहले दिखाएं कि नाइट्रो को, M पहले है, N बाद में है, तो 4, 4 डाइमेथिल 2 नाइट्रो, 6 कार्बन के लिए हेक्सेन। ठीक है, इंग्लिश में लिख रहा हूँ 4, 4 डाई मेथिल 2 नाइट्रो हेक्सेन। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, NO2 समूह यहाँ पे दिख रहा है, आप लंबी कार्बन चेन चुनो 1, 2, 3, 4, 5। इस डायरेक्शन में अगर गिनते हैं तो 5 कार्बन, इस डायरेक्शन में गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6। NO2 जिधर से नज़दीक है उधर से नंबरिंग कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। 3 नंबर कार्बन के साथ एथिल समूह, 2 नंबर कार्बन के साथ NO2, वरीयता क्रम में ई पहले आएगा तो इसका नाम हम लिखेंगे 3 एथिल 2 नाइट्रो, 6 कार्बन के लिए हेक्सेन। ठीक है, अंग्रेजी पहले लिख दिया, हिंदी में लिख दे रहा हूँ 3 एथिल 2 नाइट्रो हेक्सेन। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ग पे आ जाते हैं। देखो, एस्टरों के लिए नामकरण कैसे करते हैं, तो एस्टरों में क्रियात्मक समूह RCOO R- उपस्थित होता है और इनके नामकरण के लिए IUPAC का रूल है एल्किल एल्केनोइड के रूप में इनका नामकरण करेंगे। ठीक है, एल्किल को हम वो कार्बन परमाणु या वह एल्किल समूह चुनेंगे एल्किल के रूप में जो छोटी श्रृंखला वाली होगी, और एल्केनोइड के साथ बड़ी श्रृंखला वाला कार्बन चुनेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ एग्जांपल पे आ जाओ, ध्यान दो CH3COO
CH3। वास्तव में यह जो कंपाउंड लिखा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH3 COOCH3, अर्थात यह एस्टर ही है, सभी में डबल बॉन्ड है, एक ओ को डबल बॉन्ड से ऊपर भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको देख के पहचान जाएंगे कि यह एस्टर ही है, क्योंकि एक साथ दो ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित हैं। अब आप ध्यान दो, एक को हम एल्किल के रूप में और दूसरे को ओएट के रूप में, एक को एल्किल और दूसरे को ओएट के रूप में पढ़ेंगे, तो एल्केन ओएट। ठीक है, इसके लिए नाम हो गया, देखो ये मेथिल और यह मेथेन के साथ ओएट लगाएंगे, तो मेथिल मेथेनोएट, इसका आईयूपीएससी नाम है मेथिल मेथेनोएट, इंग्लिश में लिख रहा हूँ मेथिल मेथेनोएट। ठीक है, दूसरे एग्जांपल पे आ जाओ, CH3 CH2 COO CH3, और इस केस में हम क्या चुनेंगे, इसको लिखेंगे मेथिल, और यह दो कार्बन वाला जो श्रृंखला है इसको ओएट के साथ लेंगे, तो मेथिल एथेनोएट, मेथिल एथेनोएट। देखो इसको अलग लिए और इसको ओएट के साथ लिए, मेथिल एथेनोएट, एक ही शब्द है मेथिल एथेनोएट। तीसरे एग्जांपल पे आ जाओ, आप देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ अब नंबरिंग भी करनी है, क्योंकि यहाँ हमको दिख रहा है कि ओएट समूह जो है किस कार्बन से जुड़ा है, उसकी पोजीशन भी दिखानी है, तो आप नंबरिंग कर लो, इसको एल्किल समूह के रूप में लेंगे और इसको ओएट के साथ रखेंगे, नंबरिंग इधर से भी करेंगे और इधर से भी करेंगे, यहाँ सेम पोजीशन है। कुछ एग्जांपल्स ऐसे हो सकते हैं, तो वहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि जिनमें यह पोजीशन दोनों तरफ से अलग हो, तो कम अंकन वाला कार्बन परमाणु जिस डायरेक्शन से होगा उस डायरेक्शन से नंबरिंग कर लेंगे। यहाँ हम नंबरिंग कर दे रहे हैं 1, 2, 3, तीन कार्बन के लिए प्रोपेन और उसके साथ ओएट लगाएंगे तो प्रोपेनोएट, और दो नंबर पोजीशन दिखाएंगे तो प्रोपेन 2OH, इसको लिखें। एक कार्बन का है, पहले हमने लिखा मेथिल प्रोपेन, दो नंबर कार्बन के साथ ओएट समूह दिखा रहे हैं प्रोपेन 2OH। ठीक है, इंग्लिश में लिख रहा हूँ मेथिल प्रोपेन 2OH। अब देखो वो यहाँ है, ये यहाँ है, तो ई को हम ड्रॉप कर लिए, मेथिल प्रोपेन 2OH। ठीक है, अब हम आ जा रहे हैं साइनाइड यौगिकों का IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। तो साइनाइड यौगिकों के लिए RCN CN समूह उपस्थित होता है जो एल्किल समूह के साथ जुड़ा रहता है, और इनके लिए नियम है कि इनको एल्केन नाइट्राइल के रूप में लिखते हैं। अब देखो पहले एग्जांपल पे आ रहे हैं CH3CN, कार्बन परमाणुओं की संख्या आप गिनो, एक कार्बन दो कार्बन, तो ऐसे क्रियात्मक समूह जिनमें पहले से ही कार्बन है उनके साथ ही नंबरिंग करनी होती है, ये पहले भी हम बता चुके हैं, अर्थात दो कार्बन के लिए हम शब्द मूल एथ रखेंगे। ठीक है, तो एथेन नाइट्राइल, एथ के साथ प्राथमिक अनलग्न ANE लगाया, फिर CN के लिए नाइट्राइल लगाएंगे। ठीक है, तो इसका नाम होगा एथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ एथेन नाइट्राइल। ठीक है, दूसरे नंबर के एग्जांपल पे आ जाओ आप, और इसको देखो, इसमें तीन कार्बन है ना, और तीन कार्बन के लिए हम लिखेंगे प्रोपेन और उसके साथ लगाएंगे नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, तीसरे नंबर के एग्जांपल पे आ जाओ आप, और देखो CN समूह इस कार्बन के साथ जुड़ा है, इस कार्बन की पोजीशन देखो ताकि किधर से नंबरिंग करनी है ये ज्ञात हो, 1, 2, 3, 4, 5, तीन नंबर से अगर इधर से हम काउंटिंग कर रहे हैं तो इसको तीन नंबर मिल रहा है, इधर से काउंटिंग करो 1, 2, 3, इधर से भी तीन नंबर ही मिल रहा है, तो जिधर से ब्रांचिंग होगी उधर से हम नंबरिंग करेंगे, तो 1, 2, 3,
इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन से भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब आप देखो दो नंबर से मेथिल समूह जुड़ा है, तो यहाँ पहले हम पूर्व लग्न के रूप में लिखेंगे 2-methyl। 5 कार्बन की चेन है ना, तो पेंट, पेंट के साथ एन ई लगाया, पेंटेन। 3 नंबर कार्बन के साथ नाइट्राइल समूह है, तो 3-nitrile, और इसका नाम हो गया 2-methyl pentane 3-nitrile। इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ, 2-methyl pentane 3-nitrile। यहाँ N आ गया है, यह एक कॉन्सोनेंट है, ई बाबिल है, तो यहाँ से ई को ड्रॉप नहीं करना है, ई के साथ लिखना है 3-nitrile। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप ये समझ पाए होंगे कि IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। आप प्रैक्टिस करें, अपनी बुक से सेल्फ क्वेश्चंस को उठाएं और IUPAC नामकरण करना सीखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आसानी से सब चीज़ें धीरे धीरे आती जाएंगी, आप एक सिक्वेंस में चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम ना होगी। हमने यहाँ पढ़ाया हुआ है लेक्चर नंबर 6, 7, 8 और यह नवा लेक्चर है, तो सभी लेक्चर में हमने IUPAC नामकरण कराए हैं, एक सीक्वेंस में आप चले होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे के लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और उसमें देखेंगे, यहाँ हम लोग क्या सीखे हैं, एक क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का नामकरण, और अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे बहुक्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, और उसमें भी दो कैटेगरी होगी, एक से अधिक क्रियात्मक समूह यदि समान प्रकार के हों। जैसे यहाँ देखो NO2 समूह है ना, 2 NO2 समूह उपस्थित हो गया, 2 OH समूह आ गया, 2 कीटोन ग्रुप आ गए, ऐसे यौगिकों के लिए नामकरण, और एक ऐसे यौगिकों का कैटेगरी होगा जिसमें भिन्न प्रकार के 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होंगे। ठीक है, तो उन सबका नामकरण हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में सीखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।